हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भावना की रसोई में। रेगुलर में हमारे यहाँ डोसा और सैंडविच तो बनता ही है, इन दोनों को मिक्स करके आज हम कुछ नया बनाते हैं, डोसा चीज सैंडविच। ये हमारे पास डोसा का बैटर है जो हमने पहले से ऑलरेडी बना रखा हुआ है। ये दाल चावल का बैटर है, इसको तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे दोनों साइड। इसमें नमक अभी मिला हुआ नहीं है, तो इसमें हम नमक मिक्स कर लेंगे। नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये हमने ग्रीस किया हुआ सैंडविच में है। अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर स्लाइस किए हुए टमाटर रख देंगे, 5 से 6 टमाटर के स्लाइस रखेंगे। इसके ऊपर 5 से 6 खीरे के स्लाइस रख देंगे। फिर इसमें हम ऑरेगानो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसमें हम ये पेरी पेरी मसाला है, बाजार में रेडीमेड मिलता है, इसको हम डालेंगे। अगर ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो हम ज्यादा डालेंगे इसको। ग्रीन चिली, बच्चे अगर खा रहे हैं तो इसमें ग्रीन चिली अवॉइड करें, क्योंकि पेरी पेरी मसाला भी स्पाइसी होता है। और इसके ऊपर हम चीज स्लाइस रख देंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब इसको हम वापस से दोबारा से इसको कवर कर देंगे डोसा के बैटर से। ये हमने ऑलरेडी इसमें ग्रीस किया हुआ है, तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर से बस डाल देंगे। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं कि ये रेडी हो गया है। हाँ, ये रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, क्रिस्पी भी हो गया है दोनों साइड से, तो हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है डोसा चीज सैंडविच। ये बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी भी है, डिलीशियस भी है।